तबेले वाला दूध आ गया जी, और तबेले वाला दूध जो है वो 10 लीटर पूरा है। और दूध का बिजनेस नहीं खोल रहा हूँ मैं, आपको अच्छा सा बढ़िया सा मलाई पनीर दिखाना है ना, है म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। अच्छी चीज़ों की कदर ना शहर आके होती है, अच्छे दूध की कदर शहर आके होती है, हैं? गाँव में छोटे शहरों में दूध वाला आ जाता है, दे जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आके पता लगता है टेट्रा पैक वाला दूध लो, उसमें से इतना सा पनीर निकलता है ना, तब याद आती है अच्छे दूध की। इसलिए पनीर बनाना है तो तबेले वाला दूध है। दूध वाले भैया आज पनीर की दुकान खोल रहे हैं। शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो लेना है जी पनीर तबेले वाला, ठीक है। अब मैं 3 किस्म का पनीर आपको दिखा दूंगा। आज का हमारा मिलने का मकसद क्या है, आज का हमारा मिलने का मकसद ये है कि आपको 3 किस्म का बढ़िया मलाई पनीर देखने को मिल जाए, स्क्रैच से पनीर कैसे बनाते हैं वो समझने को मिल जाए, और साथ में एक बढ़िया सा चटनी वाला जो ग्रेवी वाला जो पनीर है ना उसकी रेसिपी मिल जाए। आम के आम गुठलियों के दाम, दूध का दूध पनीर का पनीर, नहीं मतलब व्हाटएवर। तो देखो जी लग गई है दुकान, लग गई है अपनी, ठीक है। अब ये दुकान मैंने ऐसे नहीं लगाई है, मतलब दुकान इसलिए लगाई है कि आपको 3 किस्म का पनीर दिखा दूं, ताकि प्लेन पनीर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए। अब 3 किस्म का पनीर क्या होगा, सबसे पहले होगा मसाला पनीर जिसमें धनिया जीरा और हरी मिर्च होगी, उसके बाद होगा सुनहरा पनीर जिसमें कि हल्दी होगी, मिर्ची होगी, थोड़ा सा गार्लिक का जूस होगा, और उसके बाद होगा बहुत सिंपल सादा काली मिर्च का पनीर जो मेरा फेवरेट है जी, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। लौंग और बड़ी और छोटी इलायची, इससे फ्लेवर धीरे 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 उसके अंदर आएगा। अब जाहिर सी बात है सिर्फ फ्लेवर डालना है तो मसलिन क्लॉथ में टांग लेते हैं इसको। उसके बाद दूध में डाला नमक, नमक 1, नमक 2, नमक 3। उसके बाद शक्कर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, शक्कर 1, शक्कर 2, शक्कर 3। हरी मिर्च, वो हरी मिर्च में कंजूसी नहीं करनी, क्या है ना हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो वैसे भी पानी में काफ़ी हद तक रह जाएगा, तो कंजूसी नहीं करनी। पनीर में आप ये समझ लीजिए कि फ्लेवर जो है वो डाइल्यूट होगा, राइट, इसलिए आप अपनी तरफ से स्ट्रांग फ्लेवर्स डालिए। ब्यूटीफुल, ये हो गया जी मामला ब्यूटीफुल पनीर नंबर 1 का। 1 बाय 1 मैं आपको दिखाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, बस फॉलो करिएगा मेरे को। तो जिस पनीर में हमने अपनी पोटली डाली है ना, जिसमें कि लौंग का और इलायची का फ्लेवर है, वहाँ से शुरू करते हैं। अभी भुना जीरा, देखिए अगर मसाले डाल रहे हैं तो उनका फ्लेवर आने में टाइम लगेगा, इसलिए मसाले पहले डाल लें और ताज़ी चीज़ें बाद में डाल लें, क्योंकि उनका फ्लेवर फटाक से आ जाता है। मज़ा आ गया जी, ब्यूटीफुल। अब इसमें डालना है जी दही, ये है मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट उर्फ रामबाण, ये गया दही। दही डालने से 2 काम होते हैं, एक तो ये कि दूध की एसिडिटी बढ़ जाती है, मतलब दूध जो है वो और जल्दी फटता है, हा? दूसरा एक रिचनेस आती है, एक नेचुरल खटास आती है, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि दूध जो है वो जल्दी ना फटे तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसकी एसिडिटी कम कर दीजिए। उसकी एसिडिटी कम करने के लिए उसके अंदर डालिए बेकिंग सोडा, यानी कि दूध के अंदर अगर बेकिंग सोडा डाला जाता है तो दूध के फटने के चांस कम हो जाते हैं। किसने बताया ना, हम हैं ना बताने के लिए। अब ये भी थोड़ा सीक्रेट है, सबको नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। थोड़ा सा घी, घी क्यों, रिचनेस के लिए। अभी क्या है, दूध को ना उबाल उबाल के पागल नहीं करना, पंजाबी में कहते हैं कमड़ा नहीं करना, दूध को उस स्टेज पे लेके आना है जब आपको लगे कि हाँ अभी ये उबलने वाला है, और उसके बाद फिर जब आपको लगे कि उस स्टेज पे आ गया है कि अब उबलने वाला है, फिर इसमें खट्टा डालेंगे हम। ये लीजिए, ये आ गया उस स्टेज पे जहाँ पर ये उबलने वाला है। अब इस स्टेज पे इसके अंदर डालनी है जी हरी मिर्च, धनिया, अदरक, स्टनिंग इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस, और वो लौंग, उसकी खुशबू भी आ रही है। ये लो जी, ये लौंग अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम वेस्ट नहीं करेंगे कि लौंग का फ्लेवर तो दूध में अच्छा ही है कि नहीं, तो यहाँ डाल देते हैं। अब इसको फाड़ने के लिए लेमन जूस या विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ, विनेगर
में कई बार एक ऑफ फ्लेवर, एक स्मेल होती है, और बीज निकाल लें, वरना आप बनाने जाएंगे मसाला पनीर, बन जाएगा नींबू के बीज का पनीर, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि जब आप इसके अंदर सिरका या नींबू डालें, फिर भी इसको उबलने ना दें, गैस स्लो रखें, धीरे धीरे पनीर को बनने दें। उससे क्या है, एक तो पनीर में फ्लेवर अच्छा आता है, दूसरा पनीर टफ नहीं होता। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पनीर जो है इट्स मिल्क प्रोटीन्स ना, और प्रोटीन में आप ऑलरेडी विनेगर या एसिड डाल रहे हैं जिससे कि वो प्रोटीन डी नेचर हो रहा है, उसके बाद आप उसको हीट भी ज़्यादा दे दें तो फिर तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना उस प्रोटीन के साथ। तो इसलिए अगर आप एसिड डाल रहे हैं तो हीट काबू में रखिए, ताकि प्रोटीन का जो कोएगुलेशन है या प्रोटीन का जो फटना है, जो पनीर का बनना है, उसमें मुलायमपन बना रहे और रबड़ीपन ना हो ज़्यादा। ठीक है, सो डोंट बॉयल, जस्ट सिमर। शुरू में आपको लगेगा नहीं फटा, इसका मतलब ये नहीं है कि ठोक के सिरका डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा चलाइए, देखिए फटेगा, धीरे 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 चलाते रहिए, देखिए हो रहा है ना मामला। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं कि पानी जितना साफ हो जाए धीरे 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 धीरे, इसका मतलब पनीर उतना बन गया है। हम पानी को साफ कर रहे हैं, जो पनीर का वे है हम उसको साफ कर रहे हैं धीरे धीरे चला के। जब आपको लग रहा है कि इससे ज़्यादा अब वे जो है वो साफ़ नहीं हो रहा है, ये देखिए ये जो वे है ना, ये पानी, इसकी बात कर रहा हूँ। जितना आप पानी आपको क्लियर होता हुआ दिख रहा है, जब तक वो क्लियर हो रहा है चलाते रहिए। एक बार आपको लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा तो इसका मतलब निकाल लीजिए। अब इसमें दो काम कर सकते हैं, मेरे को जो करना अच्छा लगता है वो ये कि मैं इमीडिएटली पानी डाल देता हूँ। उससे क्या है, पनीर की रिचनेस बनी रहती है। आप चाहें तो सीधा स्ट्रेन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी डालने से टेम्परेचर गिर जाता है, टेक्सचर अच्छा होता है पनीर का। हाँ, अब इसको समय बर्बाद नहीं करना, अब गर्मी में नहीं छोड़ना, एक बार कर्डल हो गया ना उसके बाद टेम्परेचर बिकम्स रियली रियली इम्पॉर्टेंट। ये देखिए निकाला मैंने, उसके बाद फिर वापस मैं इस पर ठंडा पानी डाल रहा हूँ। देखिए ये बस वही है, पनीर को रबड़ी अगर नहीं बनाना है तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। ठीक है, इसके बाद जिस भी चीज़ में आपको पनीर दबाना है आप उसके अंदर डालिए, और उसके बाद कोई भारी बर्तन रख दीजिए। दूसरे पनीर में आए हम, दूसरे पनीर के लिए सबसे पहले हल्दी। ये धनिया मिर्ची वाला पनीर तो पहले बनता देखा होगा आपने, ये पनीर थोड़ा कम बनता है। मिर्ची और चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, इसके अंदर आप चाहें तो सौंफ डाल सकते हैं। ये गई सौंफ, और इस पनीर के अंदर ना वो भी अच्छा जाएगा, मिंट पुदीना बहुत बढ़िया जाएगा। पुदीना डाल ही देता हूँ ना, इतना आवाज़ करते हैं पीछे, देखो कैसा लग रहा है मैं तबेले में ही बना रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है रणवीर ने कोई केमिस्ट्री क्लास खोली हुई है। देखिए दूध को उबाला नहीं आया अभी तक और देना भी नहीं है, और अब नींबू, दही, घी, घी से बहुत मुलायमपन आता है पनीर में, इग्नोर मत करिए घी वाला फार्मूला। अब देखिए ये वाला दूध जो है वो फटने में थोड़ा वक्त लेगा, और थोड़ा सिरका और नींबू ज़्यादा लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा रेडी रखिएगा, वरना आपका हल्दी दूध फटेगा नहीं और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अब हमने इसको बिल्कुल निचोड़ लिया है, अब हम अपनी मसाले की पोटली हटा देते हैं। क्या खुशबू है इस पनीर की, क्या खुशबू है तबेले वाले दूध के, नो 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 नो।
आज मम्मी खुश रहेंगे। पनीर जाएगा ना तीन किस्म का घर पे? पनीर सबको अच्छा लगता है ना। अगर आप खासतौर अगर आप नॉर्थ से हैं तो मतलब पनीर तो इज़ लाइक वेजिटेरियन रॉयल्टी। शादी में पनीर है? पनीर ही कितनी डिशेज है। चलो जी डन। एंड वी आर डन। पनीर का पानी फेंकना नहीं है, ग्रेवी के अंदर सूप के अंदर काम आएगा। एक्चुअली जो ग्रेवी बना रहे हैं उसमें यही पानी डालेंगे आज। सब सिखा दूंगा मैं पनीर का, छोड़ो कुछ नहीं। ब्यूटिफुल। अब जो है बड़ी बंदूक लानी पड़ेगी ना, मतलब बड़ा सिलवट्टा। अब ये दोनों पनीर को प्रेस कर देते हैं। कोई भी जो आपको वेट यूज करना है आप वो वेट यूज करें। ऐसा नहीं है कि रणवीर ने सिलवट्टा देख कर डरा दिया तो आपको सिलवट्टा यूज करना है। तो बेसिकली क्या हो गया, दो किस्म का पनीर बन गया, उसको हमने प्रेस कर दिया और छोड़ दिया। जब वो प्रेस हो जाएगा उसके बाद उसको फ्रिज में छोड़ेंगे या किसी भी जगह जहाँ पर एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे आए, वो रूम टेम्परेचर पे पनीर का अच्छा टेक्सचर आपको समझ में आएगा। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट टेक्सचर, एंड टेक्सचर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप टेम्परेचर समझ गए, टेक्सचर समझ गए, क्योंकि प्रोटीन चाहे वो अंडा हो, दूध हो, पनीर हो, चिकन हो, प्योरली टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन है। अभी ये गई काली मिर्च, सिर्फ काली मिर्च का पनीर बनाएंगे। एक्चुअली हींग डाल देते हैं, हींग थोड़ी सी। काली मिर्च और हींग का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, ये लीजिए। काली मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी वरना आप जो है दांत टूट जाएंगे आपके, मोटी मोटी, पर काली मिर्च मोटी रखनी है। और इसके बाद लिमोन उर्फ नींबू, ये जो है ना इसका वे जो है इसका पानी यूज करूंगा मैं। इसका पानी जो है ना वो बनेगा जबरदस्त, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ चटनी पनीर, और चटनी के साथ काली मिर्च हींग बहुत सही जाती है। हींग एंड ब्लैक पेपर इज द स्टार, मेरा फेवरेट हो गया। मतलब घी, हींग, ब्लैक पेपर, ओए होए होए, मेरा फेवरेट पनीर। ये तो वो वाला है कि बस ऐसे ही लो और ऐसे ही खाओ। देखो रणवीर बार एक्साइटेड हो गए और मसलिन डालना भूल गए। देखा आपने, इतना एक्साइटेड हो गया मैं कि मैं मलमल का कपड़ा ही डालना भूल गया। पर ये दाना देखिए, ये दाना देख रहे हैं आप, ये परफेक्ट, ये अगर इतना छोटा छोटा दाना बन रहा है पनीर का, इसका मतलब यू हैव डन अ गुड जॉब। अपने आप को 100 में 100 दे लीजिएगा। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी वाली ट्रे नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास तो ट्रे नहीं है, हम ये पनीर ऐसे नहीं बना सकते। तश्तरी लीजिए, मतलब प्लेट लीजिए स्टील की, उसके अंदर ऐसे ही आप मसलिन क्लॉथ बिछा लीजिए, गांठ साइड में रखिएगा, गांठ ऊपर ना आए, और उसके बाद उसको दूसरी तश्तरी या दूसरी प्लेट से दबा दीजिए, ऊपर वेट रख दीजिए, सेम चीज़ बन जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसे ही ट्रे ही चाहिए। पहले से मैं बहाने जो है वो सिक्योर कर देता हूँ आपके। ओके जी, तो पनीर तो हो गया एकदम, पर मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खोल के दिखाऊंगा बोलेंगे अरे बस बस इतना सीख लिया आज बहुत है। ग्रेवी भी सीख के जानी पड़ेगी, ये क्विक झटपट फटाफट वाली, ठीक है जी, चटनी वाली ग्रेवी है। तो पुदीना, धनिया, एक भाग पुदीना, दो भाग धनिया, दो हरी मिर्च, तेल, 10 से 12 काजू, काजू ऑप्शनल है, डाल दीजिए तो मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद मोटा मोटा कटा हुआ अदरक, 1 क्लोव लहसुन, नमक, थोड़ी सी शक्कर। तो ये जाएगा पिसने और बिल्कुल बारीक इसका बन जाएगा पेस्ट, ठीक है। और अगर आप चाहें तो पीसते समय थोड़ा सा वो दही डाल सकते हैं। हाँ, ये पनीर का पानी देखिए, वे ये वे अगर आपको ऐसा गाढ़ा और रिच वे अगर टेट्रापैक वाले दूध से मिल जाएगा ना तो मैं नाम बदल लूँगा अपना। थोड़ा नमक, थोड़ी शक्कर और थोड़ा सा बेसन,
बेसन क्यों ताकि दही ना फटे। बिल्कुल नाम भर कर डाला मैंने आधा चम्मच। डन, पूरी तैयारी हो गई जी। अब जो है ग्रेवी को लगाना है तड़का। चटनी भी पिस के आ गई अपनी, देखिए पिसने के बाद ये ऐसे पिसनी है। थोड़ा दही मेरे को डालना पड़ा है, थोड़ा दही डालना है, ज़्यादा नहीं है देखिए। ठीक है, देसी घी, जीरा, सूखी मिर्च, ब्यूटीफुल। मिर्च को काला नहीं करना, आमतौर पर मैं बोलता हूँ कि सूखी मिर्च जब डालें तो उसको दाग दे लें, काला कर लें, यहाँ पर नहीं, हैदराबादी खाने में होता है। अभी क्या है, पानी से वो हल्का सा काली मिर्च और हींग का फ्लेवर आ रहा है ना, जो पनीर का पानी है, वो भी बहुत मज़े की मोनोपोली। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको पनीर से मिलवा दिया जाए। पनीर नंबर 1, 2 और 3, पहले शुरू करते हैं पनीर नंबर 1 से। पनीर नंबर 1 उर्फ अदरक हरी मिर्च और धनिया वाला पनीर। पनीर नंबर 2 उर्फ हल्दी मिर्ची का पनीर। और पनीर नंबर 3 उर्फ काली मिर्च का पनीर। टेक्सचर देखिए, टेक्सचर आप दबाएंगे एकदम मलाई स्पंज की तरह वापस आएगा, और अगर खा के देखेंगे तो इसको कहते हैं मलाई पनीर। क्वालिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ पनीर, तबेले का चक्कर। वापस ग्रेवी पे आते हैं, टमाटर, और अगर आपको दही थोड़ी गाढ़ी होती दिख रही है तो पनीर का पानी और डाल लीजिए। देखिए पनीर आपने देख लिया, अब ग्रेवी देख के फिर जाइएगा। ऐसा नहीं होता, मतलब आराम से सब काम खत्म करके चलते हैं ना। अब अपनी चटनी की बारी आ गई। अब आपको समझ में आया मैंने काजू क्यों डलवाया था चटनी में, समझे ना, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। बस एक बॉईल देना है, उसके बाद तुरंत निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि हरा जो है वो काला हो जाता है। ये गया पनीर, इसको बोलते हैं चटकारे वाला पनीर। ग्रेवी में भी चटकारा, पनीर में भी चटकारा, यानी कि एक भैंस की दो लाते हैं, मतलब वही वही एक तलवार की दो में आने, समझ गए ना आप। बस देखो जी, ये जो है ना, हम चटनी वाला पनीर तो बाद में खाएंगे, पहले आपको ये वाला पनीर खाने का एक तरीका और बता देते हैं। ये लीजिए पनीर, उसके बाद डालिए चाट मसाला, ये उसको डालिए थोड़ा शहद, वैसे तो ऑप्शनल है बट स्वाद बहुत देता है, और बस। हाँ, ये है असली मसाला पनीर खाने का तरीका। वाह, कई बार बेचैनी होती है ना कि यार मैं अकेले खा जा रहा हूँ, आपको क्यों नहीं खिला पा रहा, ये वो डिश है, ये ज़बरदस्ती खिला के खुशी पाने वाली डिश है, ये बनाओ पनीर घर पे ये वाला, और वो हींग और काली मिर्च वाला पनीर अगर आपने नहीं बनाया मेरी कट्टी हो जाएगी। आप सच्ची यार, 6 पीस पनीर खा गया हूँ मैं, कर लो गाली।